पहचे कन्हैया लाल के हत्यारे, लगे नारे सरधड़ से जुदा सिरधड़ से जुदा। उदयपुर में हिंदू दर्जे कन्हैया लाल की बेरहमी से हत्या करने वाले दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। तो वहीं जय श्री राम भारत माता की जय और हत्यारों को फांसी दे के नारे से कोर्ट परिसर गूंज उठा। राजस्थान के उदयपुर में हिंदू दर्जी कन्हैयालाल की बेरहमी से हत्या करने वाले दोनों आरोपियों को गुरुवार शाम डिस्ट्रिक्ट सेंशन कोर्ट में पेश किया गया, जहां से दोनों को 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेजा गया। दोनों आरोपी रियाज अख्तर और गौस अहमद गोस मोहम्मद 13 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में रखा जाएंगे। दोनों आरोपियों की कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया। वहीं पेशी के लिए पहुंचाते वकीलों के आरोपियों के खिलाफ नारेबाजी शुरुआत कर दी। तो वहीं जय श्री राम भारत माता की जय और हत्यारों को फांसी दो के नारे से कोर्ट परिसर गूंज उठा। बार एसोसिएशन ने एक बार फिर दोनों फांसी देने की मांग की। इस दौरान कोर्ट हिंद के एक ही सजा सिरधड़ से जुदा सिरधड़ से जुदा जैसे ही नारे लगने लगे। तो वहीं आपको बता दें कि मामले के दोनों आरोपियों को केस वकीलों से लड़ने से इनकार भी कर दिया है। यह बार एसोसिएशन के अध्यक्ष गिरिराज मोहित ने कहा कि हम चाहते हैं कि आरोपियों को फांसी पर लटकाया जाए, कोई वकील उनका केस न लड़ेगा। यह कोई साधारण मामला नहीं है, ये आतंकवादी घटना है, वो समाज में दहशत फैलाना चाहते थे। देखिए खास रिपोर्ट।